उच्च न्यायालय पटना में नियोजित शिक्षकों से जो दायर की गई याचिका, किन किन बिंदुओं पर उच्च न्यायालय ने कोई टिप्पणी नहीं की? देखिए, ऐसा है कि हमने माननीय उच्च न्यायालय पटना का जो आदेश है उस आदेश की प्रति को मैंने पढ़ा है, और उस आदेश को अगर आप देखेंगे तो जैसे कि परिवर्तनकारी शिक्षक संघ है, उसने जो प्रेयर किए थे अपने पिटीशन में, उन प्रेयर्स का हाईकोर्ट ने अनदेखा किया है, पहली बात। दूसरी बात, इस तरह से और भी जो पिटीशन है जिसमें प्रेयर्स हुए हैं, उन प्रेयर्स को डिसाइड नहीं किया गया है। मूलतः हाईकोर्ट तीन बिंदुओं पर ध्यान दिया। पहला बिंदु कि अगर धारा 309 के तहत राज्य सरकार कोई नियम बनाती है तो क्या वो नियम पंचायती राज एक्ट और धारा 343 जी के तहत जो कानून बनाया गया है पंचायतों के लिए, उसके एरिया में उसका उल्लंघन माना जाएगा या नहीं, ये तो पहला प्रश्न था उनके सामने। इस प्रश्न को उन्होंने खारिज कर दिया यह कहते हुए कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ ऑक्युपाइड फील्ड है वो वायलेट नहीं होता है, लिहाजा जो प्रोविजन टू रूल 4 और रूल 12 जो है 2023 के रूल्स का, उसको उन्होंने स्ट्राइक डाउन किया, और उसके अलावा 2023 का जो रूल है एक्सक्लूसिव टीचर से संबंधित, उसको उन्होंने अपहेल्ड कर दिया। जबकि शिक्षकों के द्वारा मांग की गई थी, परिवर्तनकारी शिक्षक संघ के द्वारा मांग की गई थी कि साहब इस पूरे रूल को खारिज कर दिया जाए, क्योंकि जो रूल 243 जी के तहत बनाया गया है उस रूल के रहते हुए राज्य सरकार 309 धारा के तहत कोई नया रूल नहीं बना सकती पंचायती राज के शिक्षकों के लिए या उनके बेटर भविष्य के लिए। वो जब भी बनाएगी वो पंचायत ही बनाएगा, वो प्रखंड ही बनाएगा, वो जिला परिषद ही बनाएगा। लेकिन इस दलील को हाईकोर्ट ने मानने से मना कर दिया। तो दूसरा विषय है कि हाईकोर्ट ने कहा कि जो एक्सक्लूसिव टीचर्स एक कार्डर है, एक स्पेशल कार्डर है। जब हाईकोर्ट के पूरे जजमेंट को पढ़ेंगे तो एडवोकेट जनरल के इस दलील को उन्होंने मान लिया, लेकिन उस पर जो उन्होंने रीजनिंग दी है, उस रीजनिंग का जो रूल्स है पंचायती जो नियोजित टीचर से संबंधित, उस रूल को इग्नोर करते हुए 2023 के रूल को मानते हुए, लेकिन 2023 के रूल में ऐसा कोई व्याख्या नहीं है कि एक्सक्लूसिव टीचर का जो कार्डर है वो बिल्कुल अलग कार्डर कैसे है, न तो उसका पे स्ट्रक्चर डिफाइंड है, न तो उसमें फीडर ग्रेड का कोई डेफिनेशन है। तो हाई कोर्ट ने तमाम बिंदुओं को इग्नोर करते हुए और एक्सक्लूसिव टीचर को एक कार्डर के रूप में मान्यता दी है, जो मेरे हिसाब से उचित नहीं है और वह संविधान सम्मत नहीं है। तीसरी बात, उन्होंने कहा कि जो नियोजित टीचर्स हैं उनके बेटर भविष्य के लिए, और वो अगर अपने आप को सरकारी शिक्षक के बराबर लाना चाहते हैं तो उनको कॉम्पिटेंसी टेस्ट देनी होगी। हालांकि हाईकोर्ट ने कहा कि कॉम्पिटेंसी टेस्ट वो ऑप्शनल है, जो कॉम्पिटेंसी टेस्ट देंगे पास करेंगे तो वो राज्य शिक्षक का दर्जा पाएंगे और उनको उसका वेतनमान मिलेगा। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि ये कहीं पूरे जजमेंट में डिफाइंड नहीं है कि नियोजित शिक्षक का वेतनमान और जो सरकारी शिक्षक का वेतनमान, दोनों में अंतर कितना है, यह तुलनात्मक अध्ययन पूरे जजमेंट में एब्सेंट है। लिहाजा एक जजमेंट जो दिया गया है एक वेग जजमेंट है, और हमारे हिसाब से शिक्षकों ने जो मांग माननीय उच्च न्यायालय में की थी उन मांगों को पूरा ध्यान नहीं दिया गया और उनको एड्रेस नहीं किया गया, ना उस पर कोई निर्णय दिया गया। इस लिहाज से मेरे हिसाब से शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट का रुख करना चाहिए। कोई टिप्पणी नहीं है। नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी के दर्जे की मांग को लेकर जो लंबे समय से लड़ाई लड़ रही है उसमें यदि नियोजित शिक्षक भविष्य में परीक्षा नहीं देंगे तो वह राजकर्मी कैसे बनेंगे, इस संबंध में हाईकोर्ट की टिप्पणी क्या है? तो आपने बता दिया कि टिप्पणी नहीं। देखिए, ऐसा है कि माननीय उच्च न्यायालय ने नियोजित शिक्षकों के भविष्य, जो जिसको कहते हैं करियर प्रोग्रेशन, किस तरह से होगा और उसके लिए क्या रूल्स में प्रावधान किए गए हैं, उस पर बिल्कुल साइलेंट है। सिर्फ उसने कहा कि जो भी सरकारी शिक्षक के दर्जा प्राप्त करना चाहते हैं नियोजित शिक्षक, वो कॉम्पिटेंसी टेस्ट दे करके अगर वो पास कर जाते हैं तो उस स्केल में आएंगे। और उसने एक शब्द का इस्तेमाल किया हाईकोर्ट में, पैरिटी। पैरिटी का मतलब यह हुआ कि जो नियोजित शिक्षक हैं अगर वो अपने आप को सरकारी शिक्षक के बराबर समकक्ष लाना चाहते हैं तो उनको कॉम्पिटेंसी टेस्ट देना होगा। अगर वो कॉम्पिटेंसी टेस्ट नहीं देते हैं तो वो नियोजित शिक्षक ही बने रहेंगे, उनके लिए कोई करियर प्रोग्रेशन की बात नहीं कही है। अब प्रश्न ये उठता है कि जो नियोजित शिक्षक हैं, जो उनका जो 2020 का रूल है, 2006 से लेकर के 20 तक का रूल है, उस हिसाब से उनके करियर प्रोग्रेशन की बात क्या है और 2023 के रूल में करियर प्रोग्रेशन से संबंधित नई बात क्या है, इसकी कोई व्याख्या पूरे जजमेंट में नहीं है।
तो मैं तो यही कहूंगा कि ज्यादा क्लैरिटी के लिए और शिक्षकों को अपने सारे डिमांड किस तरह से उसको फुलफिल किया जाए, इसलिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देनी चाहिए।